हाँ, कैसी है? हॉट चिल। हॉट चिल। वो वाला कैसी है नहीं पूछ रहा हूँ, कैसी औरत है तुम? तुम्हारा पति मर गया, तुम्हें किसी भी बात का दुख नहीं है? अरे दुख तो बहुत है, पर क्या है ना, बुजुर्गों ने कहा है कि अपने दुख से किसी और को दुखी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा नाच कर सबका मनोरंजन कर रही थी। मनोरंजन कर रही थी? अरे तुम जैसी लड़की को तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त सुसाइड कर लेती हूँ। अरे नहीं बाबा, तुम यहाँ सुसाइड मत करना, यहाँ मैं मरूंगा। अब मतलब मैं करूंगा परफॉर्मेंस, तुम यहाँ नहीं मर सकती। थैंक यू। तुम वहां जाके मरो, जाओ। देखा भाई, जब से तुम ऊपर चले गए सब मेरे इंसल्ट करते रहते, नहीं जीना है मुझे, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। एक्सक्यूज मी, तुम लड़कियों का और कोई काम नहीं, सुसाइड कर रही है तुम? नहीं, आज कुछ मत कहो, मुझे मर जाने दो। मरना तो मरो, ये लक्ष्मी माता वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? किसी गरीब के काम आओ, सुरेंद्र के काम आ जाओ। बेचारा कब तक तबले में गुस्सा निकालता रहेगा यार। ए, तमीज से बात करो, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। तमीज से? मैं क्या तुम्हारे से टाई लगा के बात करूं तुम्हारे साथ? पहचाना पहचाना के तुम्हारी 100 के नोट में फोटो आती है। मैं जाओ, मेरा पति मर गया है। तो जिसकी इच्छा पूरी होगी वो और जिएगा भी क्यों वैसे? मेरा एक मैरिज पार्लर है, एक से एक दूल्हा आपके दिखाऊंगा, आप शादी कर लो। नहीं नहीं, मुझे मेरा वंश ही चाहिए। मैडम शादी करो, वंश भी बढ़ेगा अपने आप, शादी तो करो। नहीं नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मैडम प्लीज कर लो, मैंने नया नया पार्लर खोला, मेरी बोनी का टाइम है, प्लीज। मैट, तुम्हारे बोनी करने के चक्कर में मैं शादी कर लूं? नेवर। थोड़ी सी कर लो, दो फेरे ले लेना। दो फेरों में शादी? जितनी आप हो, मुझे तो पौने दो भी ज्यादा लग रहे मैडम। चलो आप दो फेरे ले लो, पति आपको पूरा 7 फेरों वाला मिलेगा। ओके अच्छा ठीक है, इतना कह रहे हो तो मैं शादी कर ही लेती हूँ। लेकिन सुनो, कोई ढंग का लड़का है तो बताओ। ढंग का? एक सेकंड, ये देखो, लड़का बड़ा प्यारा है, बड़ा मेहनती लड़का है, जेब कतरा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे मैडम दिमाग तुम्हारा खराब है, लड़का जेब कतरा है, इसका फायदा पता कितना है? जब भी आपके पास पैसे खत्म है, इसको लेके भीड़ में घुस जाओ, पर्स मार लिया तो ऐश, पकड़ा गया तो आप फ्रेश, नया लड़का ढूंढ लो। तुम्हारे पास कोई साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट? हाँ है, एक साइंटिस्ट भी है। ये देखो, हाथ में दारू की बोतल पकड़ी ना इसने, जब से इसे पता चला ना चांद में पानी है, ये दारू और भुजिया लेके स्टेशन पे तैयार बैठा है, बोलता मैं चांद पे जाऊंगा। तुम मुझे खामोखा बोर कर रहे हो। कैसा लड़का चाहिए मैडम बताओ फिर? मुझे टॉल, हैंडसम, डैशिंग, हॉट, ऐसा। मैडम मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ। आप मुझसे शादी करना चाहती है ना? क्या मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं मुझे। कल ही पता मुझे डोमिनोज से रिश्ता आया था, छोटी सी बात के लिए रिश्ता रह गया, साले साथ में चिप्स नहीं दे रहे थे मेरे को। मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंग्लिश? इसका मतलब है तुम मुझसे शादी कर रही हो? देखो मैं शादी के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे हम में दोनों में झगड़ा हो, ठीक है? मैं शादी के बाद दारू पी के आऊंगा। तुम दारू पी के आओगे और मैं चुप रहूंगी? अच्छा, शादी हुई नहीं, पहले बीवियों वाली हरकतें शुरू। बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, हमारे लेकिन 6 होंगे। लेकिन तुमने तो अभी कहा कि 2 बच्चे ही अच्छे। हाँ तो 6 पैदा करेंगे, 2 तो अच्छे निकलेंगे ना। कृष्णा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। एक सेकंड, पहले तो वंश के पास जा रही थी। हाँ, तुमने मुझे पागल कर दिया इसीलिए। कृष्णा प्लीज मुझे बचाओ। बचाओ क्या के नाम भी किसका लिया जिससे आज तक कोई बची नहीं? हाँ, ये लोहे का हाथ है गधिया, अगर तूने मेरी सकीना को आंख उठा के भी देखा तो हैंड पंप उखाड़ दूंगा। भांजा तू गोविंदा का प्रमोशन का कर रहा है, अपने मामे की आवाज निकालना। हमारा हैंड पंप कहां
से उखाड़ेगा, हमारे घर में शावर लगेगा, उखाड़ ले आगे आ ले। तुम टाइनी टीना, तुमको मैंने गोद में क्या उठा लिया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम। जोरदार तालियां टीना के लिए। अच्छा यार टीना, ये जो आपका शो है ये चढ़न और उतरन, इसमें मतलब ये जो आपके आंसू निकलते हैं, ये आंसुओं के लिए आप ग्लिसरीन यूज करते हो कि क्या यूज करते हैं मतलब? बिल्कुल नहीं, नेचुरल आंसू होते हैं। और जो नेचुरल एक्टर्स होते हैं ना, उनको जहां भी बोलो वहां रो देते हैं। तो टीना अब हमको कुछ करके दिखाएंगी, अपने दिल की भड़ास निकालिए। एक लड़की अगर भरी जवानी में विधवा हो जाए तो मोहल्ले वाले उसका जीना हराम कर देते। वो न्यूज़पेपर वाला पहले तो न्यूज़पेपर देके चला जाता था, पर अब तो बैठा रहता है। जब तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ डालूं, जब हो जाता है तब कहता है अभी डाले, अगर तुम्हें कोई न्यूज पसंद नहीं आए तो मैं न्यूज चेंज कर दूं। बस बस कृष्णा बाबू, और मत रोइए। ओहो, क्या एक्टिंग की है, जोरदार तालियां टीना के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।